तो दोस्तों फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली सभी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे गोविंदा और करिश्मा कपूर ने मिलकर टोटल कितनी फिल्मों में काम किया है और ये जोड़ी हमें किन किन फिल्मों में नजर आई थी और इनके करियर की कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट गई थी, कितनी फ्लॉप। तो दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कि सबसे पहले ये जोड़ी हमें किस फिल्म में नजर आई थी। फिल्म का नाम था मुकाबला। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर इसमें अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ 97 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 105 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। सॉरी माफ करना, 5 करोड़ 60 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और ये करिश्मा कपूर और गोविंदा साहब की जोड़ी में बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1994 में। फिल्म का नाम था प्रेम शक्ति। ये मूवी साल 1994 में आई थी। इसमें करिश्मा कपूर, गोविंदा अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 2 करोड़ 27 लाख रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली दूसरी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी तीसरी बार में। फिल्म का नाम था राजा बाबू। ये मूवी भी साल 1994 में आई थी। इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो राजा बाबू मूवी का बजट जो था वो तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 8 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 15 करोड़ 20 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर साहब की जोड़ी में बनने वाली तीसरी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1994 में। फिल्म का नाम था दुलारा। और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली चौथी फिल्म थी। और इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए के बजट बनी थी ये फिल्म। और इसमें गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर और भी एक्टर इसमें अहम किरदार में थे। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस इंडिया से 3 करोड़ 51 लाख रुपए कमाए थे। वहीं अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 6 करोड़ 62 लाख रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली चौथी फिल्म। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1994 में। फिल्म का नाम था खुद्दार। इसमें हमें नजर आए थे गोविंदा, करिश्मा कपूर इसमें अहम किरदार में थी और शक्ति कपूर भी मुख्य किरदार में थे। अगर हम बात करें खुद्दार मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 95 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ 51 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 8 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन
एक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली पांचवी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1995 में। फिल्म का नाम था कुली नंबर 1। ये मूवी साल 1995 में आई थी। इसमें गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें कुली नंबर 1 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट 3,50,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया से 12,45,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 21,15,00,000 रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर साहब की जोड़ी में बनने वाली छठी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1996 में और ये जोड़ी हमें सातवीं बार नजर आई थी। फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। ये मूवी साल 1996 में आई थी। इसमें गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर और तब्बू शक्ति कपूर कादर खान भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर साहब की जोड़ी में बनने वाली सातवीं फिल्म थी जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर एक साथ नजर आई थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1997 में। फिल्म का नाम था हीरो नंबर 1। ये मूवी साल 1997 में आई थी और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली आठवीं फिल्म थी। अगर हम बात करें बजट हिट या फ्लॉप की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट 6,50,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 17 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से इस फिल्म ने 31 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी और ये करिश्मा कपूर और गोविंदा साहब की जोड़ी में बनने वाली आठवीं बड़ी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1999 में। फिल्म का नाम था हसीना मान जाएगी। ये मूवी साल 1999 में आई थी। गोविंदा, करिश्मा कपूर, संजय साहब इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 14,90,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 26,50,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली नवी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिल्म नजर आई थी साल 2000 में। फिल्म का नाम था शिकारी। इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर और तब्बू भी अहम किरदार में थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 7,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर
4,95,00,000 रुपये कमाए थे। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 9,08,00,000 रुपये की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और ये गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनने वाली आखिरी और 10वीं फिल्म थी। तो ये रही गोविंदा और करिश्मा कपूर साहब की जोड़ी में बनने वाली सभी बड़ी फिल्में। तो दोस्तों, गोविंदा और करिश्मा कपूर साहब ने मिलकर टोटल कुल 10 फिल्मों में काम किया। तो इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपकी ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।